हेलो, इस वाले वीडियो में हम एक रिंग बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से टॉप व्यू में आई। सबसे पहले हम रिंग का टॉप का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने सर्कल लिया, 0 एंटर, 30 एंटर। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने सिंगल लाइन ली, 0 एंटर करके। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके लाइन को सीधा कर लिया। ठीक है, इसको हमने किया यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, अरे पोलार, 0 एंटर, 24 एंटर, 360 एंटर एंटर। ठीक है, अभी हमने 24 से डिजाइन मतलब अरे पोलार किया है, तो हम यहाँ पे 12 कोई 12 पार्ट्स बनाएंगे कोई भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन ली, यहाँ से ओ स्नैप ऑन किया, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इसको इंटरसेक्शन करते हुए लाइन लगा ली, मतलब दोनों लाइनों को टच करना चाहिए। अभी इसको अरे पोलार करके देख लेंगे हम। ठीक है, अरे पोलार, 0 एंटर, 12 एंटर, 360 एंटर एंटर। ठीक है, दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करके देख लेंगे, ज्वाइन हो रही है क्या, लाइन हमारी प्रॉपर है क्या। ठीक है, देखो ज्वाइन हो रही है, मतलब लाइन हमारी यहाँ पे प्रॉपर है। कंट्रोल जेड किया। ठीक है, अभी यहाँ से सारी लाइनों का कलर रेड किया और इसको मैंने यहाँ से वापस ग्रीन कर लिया। ठीक है, रेड कलर वाली मैंने सारी ऑफ कर दी। ठीक है, अभी यहाँ से बनाएंगे हम जो भी डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने आर्क लिया, थर्ड नंबर वाला, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और देखो यहाँ से फ्रंट व्यू में आई और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके नीचे की तरफ आर्क बना लिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने ऊपर की तरफ भी मिरर कर दिया, एक नीचे बन गया मेरा, एक ऊपर बन गया, और इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी हम कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाला सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, ऊपर वाला करते हैं। ठीक है, टॉप व्यू। ठीक है, ये अलग अलग कैसे हो गए, प्रोस्पेक्टिव व्यू। ऊपर वाला मैंने सिलेक्ट किया, टॉप व्यू में आई, ट्रांसफॉर्म, अरे पोलार, 0 एंटर, टोटल 12 है तो 6 एंटर, 360 एंटर एंटर। अभी इसको मेरे को यहाँ पे लेके आना होएगा, नहीं तो ये एक दूसरे के ऊपर नीचे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो नीचे वाले को मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं वापस से लाइन ऑन की, यहां से मैं इसको रोटेट करूंगी टॉप व्यू में आके, 0 एंटर। देखो इसके एंड पॉइंट से, मैंने इस लाइन के एंड पॉइंट पे ये मेरा यहाँ पे रोटेट हो गया। कंट्रोल जेड, यहाँ से मैंने ये ओ स्नैप ऑफ रखा क्योंकि वो मिरर था ना, इसलिए वो भी साथ में रोटेट हो गया। तो यहाँ से मैंने नीचे वाला सिलेक्ट किया, टॉप व्यू में आई, रोटेट, 0 एंटर, ये लाइन ऑफ हिस्ट्री की वजह से हमारा उसके साथ में ही रोटेट हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसलिए मैंने लाइन ऑफ हिस्ट्री को यहाँ से ऑफ कर दिया, वापस से ऑन कर दिया, और इसको मैंने सेलेक्ट करके अरे पोलार, 0 एंटर, 6 एंटर, 360 एंटर एंटर। ठीक है, अभी देखो ये बन गए हमारे, ये लाइनें मैंने ऑफ की। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे, मैं एक काम करती हूँ, इसको रीबिल्ड कर देती हूँ मैं यहाँ से 50 पॉइंट से। ठीक है, एक बारी फ्रंट व्यू में भी आके चेक कर लेंगे, 60 से करती हूँ, 60 और ओके कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे 60 पॉइंट से रीबिल्ड कर, 50 कर रही थी ना तो वो लाइन यहाँ पे ऊपर नीचे आ रही थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 60 से रीबिल्ड कर दिया। ठीक है, अभी हम यहाँ से रेल रिवॉल्व से सरफेस बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया, टॉप व्यू में आई, मैंने यहाँ से पॉइंट लिया, 0 एंटर, सेंटर में पुट कर लिया, यहाँ से मैंने सिंगल लाइन ली बोथ साइड वाली, और यहाँ से पॉइंट को टच करके फ्रंट व्यू में आई दोनों तरफ,
दोनों तरफ मैंने थ्री एंटर, वन साइड मैंने थ्री लिया तो टोटल सिक्स हो गई। तो ये हाइट वाली लाइन लगा ली, ये टोटल लाइन मेरे पास सिक्स आ गई इस बोर्ड, इस पॉइंट से थ्री एमएम नीचे और थ्री एमएम ऊपर। ठीक है, अभी देखो प्रोस्पेक्टिव व्यू में आई मैं, अभी मैंने यहाँ से सिंगल लाइन ली ऊपर वाला पॉइंट टच करके और यहाँ से इसका मिड पॉइंट टच। ठीक है, ये हो गया मेरा। अभी हमने कमांड में टाइप किया रेल रिवॉल्व। ठीक है, इसको सिलेक्ट, रेल को सिलेक्ट, हाइट यहाँ से और यहाँ नीचे से ऊपर। ठीक है, अभी देखो ये बन गया मेरा सरफेस, इसको मैंने यहाँ पे प्लास्टिक कर दिया। ठीक है, इसको है ना सॉलिड करने में दिक्कत आती है। ठीक है, इसको सॉलिड करने में दिक्कत आती है हमें, तो इसको सॉलिड करने का तरीका बता देती हूँ। आप इसको यहाँ से एक्सट्रूड से और ऑफसेट सरफेस से सॉलिड करेंगे ना तो ये होगा नहीं। इसको सॉलिड करने का तरीका बता देती हूँ। सारे कर्व मैंने डिलीट किए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक वो कट कर लूंगी। यहाँ से मैंने यहाँ से किया ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, अंदर की तरफ 1.5 एंटर। ठीक है, 1.6 करती हूँ। ठीक है, अंदर की तरफ 1.6 एंटर। ठीक है, अभी यहां से हम ये सरफेस कट कर लेंगे। इसको मैंने यहां से कर दिया स्प्लिट और इस लाइन के साथ एंटर। ठीक है, ये सरफेस मेरा कट हो गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे हाइड कर लिया। ठीक है, इस लाइन को भी मैंने हाइड कर लिया। ठीक है, अभी यहां से मैंने इसको किया, मैंने ऑफसेट सरफेस ऊपर की ओर, यहां से मैंने सॉलिड नो करना है, 1 एंटर। ठीक है, अभी देखो इससे सरफेस किया तो ये हमारी इस खराब हो गई यहाँ से, इसलिए मैंने खाली सरफेस सरफेस को किया है। यहाँ से हमें डुप्लीकेट एज मिल गए इसके और एंटर किया। ठीक है, अभी इस सरफेस को मैंने डिलीट कर लिया, इस वाली चीज को भी मैंने यहाँ पे हाइड कर लिया। ठीक है, नीचे वाले को डिलीट किया, खाली मैंने ऊपर वाला रखा। सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे भी हम सरफेस बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ से इससे सेंटर पॉइंट पुट करूंगी क्योंकि ये मेरा ऊपर हो गया ना थोड़ा सा। ठीक है, सेम बोथ साइड वाली लाइन ली, पॉइंट को टच किया, फ्रंट व्यू शिफ्ट प्रेस करके इसको 3 एंटर। ठीक है, अभी सेम प्रोसेस से इसको यहां तक। ठीक है, रेल रिवॉल्व, इसको सिलेक्ट और यहां से नीचे से ऊपर। ठीक है, ये बन गया मेरा, इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर लिया। अभी इसको मैंने यहाँ पे शो किया। ठीक है, ये सरफेस हमने कट कर रखा था, इसको मैंने ये वाला कलर दिया और इसको हाइड कर लिया। ठीक है, अभी इस लाइन को मैंने यहाँ पे डिलीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम स्विफ्ट टू से सरफेस बनाएंगे तो एक लाइन लगा लूंगी मैं, यहाँ से और यहाँ तक लाइन लगा ली। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने किया स्विफ्ट टू, ठीक है, और एंटर किया और ओके कर लिया। ठीक है, अभी देखो इसको मैंने पूरे को जॉइन किया।
ठीक है, अभी सबसे पहले इसका वॉल्यूम ही चेक करना है हमने कि ये हमारा ठीक आया है कि नहीं आया है। देखो वॉल्यूम चेक हो गया, अभी सिलेक्ट कर्व किया और सारे कर्व डिलीट किए, ठीक है। अभी एक सरफेस और था हमारा, उसको मैंने अनहाइड कर दिया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ से किया इसको ऑफसेट सरफेस, ये हमारा 1 mm था तो यहाँ से मैंने कर लिया 1.5, एंटर एंटर, कंट्रोल जेड, सॉलिड नहीं किया इसको, यहाँ से सॉलिड यस, एंटर एंटर, ठीक है। तो देखो ये बन गया हमारा इस तरह से। इसको भी मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर दे दिया। अभी इसको हम यहाँ से फ्लिट कर लेंगे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे किया फ्लिटेज 0.1, एंटर, 0.1 इस तरफ से और 0.1 इस तरफ से, और हमने इसको देखो ये हो गया हमारा फ्लिट। अभी हम डायमंड रखेंगे ना तो यहाँ से बहुत अच्छी लुक आएगी, ठीक है। अभी देखो टॉप व्यू में मैं गई, इसको मैंने यहाँ से प्लास्टिक कर लेना है और यहाँ से मैं अपने सारे कर्व ऑन कर लूंगी, ठीक है। इससे हमें सेंटर वाले डायमंड का थोड़ा सा पता लग जाएगा। और इसको मैंने यहाँ से शेडेड कर लिया, ठीक है। वैसे तो बिल्कुल सेंटर में ही आ रहा है, ठीक है। अभी इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे F6 प्रेस किया और यहाँ से जैम ऑन सरफेस को स्नैप ऑफ करेंगे तो ये हमारा ऊपर दिखाएगा। ठीक है, अभी प्रोस्पेक्टिव व्यू में आई। अभी एक साइड के डायमंड रखेंगे हम और दूसरी साइड के मिरर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे डायमंड रख लूंगी अपने, ठीक है। एक एक 0.2 का स्पेस दे देना है मैंने, क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रोक्रोम सेटिंग करेंगे, उसमें कम से कम 0.2 का हमारा स्पेस होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से पूरे पे नहीं रखेंगे, जहां पे हमारे डायमंड थोड़ा ठीक लग रहे हैं वहीं तक रखेंगे बस। ठीक है, इतने ही रखूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी टोपियो में आई मैं, ये वाले मैंने सारे डायमंड्स पकड़े और दूसरी तरफ मिरर कर लिया, ठीक है। अभी देखो, अभी यहां से मैंने सारे डायमंड्स को एक साथ सिलेक्ट किया और इनको सबको ग्रुप कर लिया, ठीक है। अभी ट्रांसफॉर्म अरे पोलार 0 एंटर, 6 एंटर, 360 एंटर, ठीक है। अभी यहाँ इसको मैंने सिलेक्ट किया F6, सबसे पहले हम यहाँ से सॉरी इसको मैंने कंट्रोल जेड किया, सारे डायमंड्स एक साथ सिलेक्ट करने हैं, F6 प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास MSR आएगा माइक्रोक्रोम सेटिंग करने के लिए। सबसे पहले हम डायमंड्स को पॉली सरफेस के नीचे लेके जाते हैं। एक बारी मैं राइट क्लिक करूंगी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, वन साइड ही करेंगे हम कर्व ऑफ किए, क्योंकि फिर ये दिक्कत दिखा रहा है, बहुत स्लो हो जाएगा ये MSR, ठीक है। इससे हमारे सारे एक साथ यहाँ पे अंदर चले जाएंगे, ठीक है। इतना रखना है कि बस ये हल्का सा बाहर दिखे, ठीक है। अभी सबको पकड़ के मैंने F6 किया, यहां से मैंने किया चैनल बिल्डर,
भी देखो ये मेरा यहाँ तक आ रहा है, इसके नीचे कम से कम 0.5 का मेटल हमारा बचना चाहिए, ठीक है। तो ये इतना तो हमारा बच रहा है, ठीक है, क्योंकि 1.5 का है ये, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आई मैं, विड्थ इसकी 60 है, 60 ही रखूंगी, हाइट 100% है, इसकी मैं थोड़ी सी कम कर लूंगी, यहाँ पे मैंने कभी नीचे सरफेस कम रह जाए 90 कर ली, ठीक है। बाकी यहाँ से कुछ नहीं छेड़ूंगी, ये मैं यहाँ से ये वाला रखूंगी चैनल 07 और राइट क्लिक कर दूंगी, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से प्लास्टिक कर लिया, ठीक है, बाकी मैंने कुछ नहीं छेड़ा, ठीक है। अभी इसी को ही मैंने यहाँ पे हरे पोलार कर लेना है, यहीं से कर लूंगी ट्रांसफॉर्म अरे पोलार 0 एंटर एंटर एंटर, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहां से कर दिया बूलियन डिफरेंस इस वाले कलर के साथ और एंटर कर लिया। देखो ये कट हो गया हमारा डायमंड, हम बाद में रख लेंगे, और इसको भी मैंने यहाँ पे हाइड ही कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये थोड़ा जल्दी जल्दी चलेगा हमारा, इसको मैंने F6 किया, यहाँ से मैंने किया माइक्रो क्रोम कटर्स, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड किया, ठीक है, यहाँ से मैंने ये वाला सिलेक्ट करना है चैनल 07 सिलेक्ट, ठीक है। ड्रॉप 0 ही रखेंगे, 0 एंटर, मिडल विड्थ एडजस्टमेंट 0.1, ठीक है हमारी। यहां से हाइट रखेंगे हम 1 एंटर और राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेम इसको भी और इसको भी बुलियन डिफरेंस एंटर। अभी वापिस से डायमंड्स इसके अंदर रखने हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड की जगह पे मिडल करना है, और यहाँ से चैनल हम ये सिलेक्ट करेंगे V602 सिलेक्ट, सॉरी, चलो ये उसके साथ बाद में भी हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बुलियन डिफरेंस किया, मैंने एक ही किया, चलो कोई नहीं, ये बाद में कर लेंगे हम, ठीक है। अभी यहां से ड्रॉप यहां से हम कर सकते हैं 0.1 एंटर, मिडल विड्थ एडजस्टमेंट हाइट यहां से कर देंगे हम 1.6 एंटर, और यहां से इसको बस हम राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है। पहले तो मैं इनको बुलियन डिफरेंस कर लेती हूँ, ठीक है। अभी इनको ट्रांसफॉर्म अरे पोलार 0 एंटर एंटर एंटर, ठीक है, और इसको सिलेक्ट बुलियन डिफरेंस एंटर। देखो ये हो गया हमारा, साथ के साथ हम इनको कटर्स भी कर लेंगे। इसको मैंने यहाँ पे किया F6, यहां से मैंने किया इसको जैम कटर, ठीक है। जैम कटर हमने ये वाला रखना है, इसका नाम है यहाँ पे कैम GYPSY, ठीक है, यही वाला रखना है हमने, और इसको ऊपर से इतना रखना है कि ये जो ये प्रोंग्स है ना ये ना कट होए, ठीक है। और यहां से राइट क्लिक कर दिया, सेम
ठीक है। अभी सारे डायमंड सिलेक्ट है, ठीक है, और इन सबको मैंने यहाँ पे ग्रुप कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ से शो वाले को मैंने हाइड कर लिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कर लिया शेडेड, ठीक है, टॉप व्यू में आई मैं, ठीक है। यहाँ से मैंने लाइनें ऑन करी, ठीक है। कमांड में टाइप किया मैंने एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व, ठीक है। अभी देखो यहां से मैंने आइसो कर्व निकाल लेने हैं, ठीक है। एक बारी मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, मैटर कलर मैंने यहाँ पे देखो ये ब्लू कर दिया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे किया एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व, ठीक है। अभी देखो एक मैंने यहां पे रखा, ठीक है, और एक मैंने यहां से निकाल लिया, ठीक है, और इस वाले को दूसरी तरफ मिरर कर लूंगी, ठीक है। इसी तरह से यहां से भी आइसो कर्व निकाल लूंगी मैं। एक मैंने यहां से निकाला और एक को मैं यहां से अंदाजे से यहां पे रखा, ठीक है, और इसको मैं दूसरी तरफ मिरर कर लूंगी, ठीक है। अभी देखो इसको मैंने ये ब्लू वाला कर्व सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी मैंने इसको यहां पे कर दिया मिरर जीरो एंटर और इस लाइन से, ठीक है, ये दूसरी तरफ मिरर हो गया, एक यहाँ पे भी है ना, हाँ यहाँ पे भी है, ठीक है। अभी इस वाले को भी मैं दूसरी तरफ मिरर कर लूंगी, ठीक है। अभी ये रेड कलर की लाइन मैंने ऑफ कर दी, ठीक है। अभी देखो ये इस तरह से आ गए, इसको भी मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया, ठीक है। ये वाले जो थ्री है ना, इनका कलर मैंने यहाँ से ये वाला कर दिया, ठीक है। ये वाला ज्यादा ही वैसा हो गया, इसको मैंने यहाँ से ये वाला कलर कर दिया, ठीक है। अभी ये मेरे नीचे वाले आइसो कर्व है, ठीक है, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, इसको मैंने यहाँ पे किया ट्रांसफॉर्म अरे पोलार जीरो एंटर सिक्स एंटर 360 एंटर एंटर, ठीक है। और ये मेरे ऊपर वाले हैं, इनको भी जीरो एंटर सिक्स एंटर 360 एंटर एंटर, ठीक है। देखो ये इस तरह से मेरे सारे आइसो कर्व निकल के आ गए, ठीक है। अभी इनको मैंने यहाँ पे कर दिया पाइप पॉइंट टू से किया, ठीक है, या 0.15 लेती हूँ मैं, एंटर, ठीक है। अभी देखो इनको यहाँ पे हम अगर उसके साथ सरफेस के साथ बूलियन डिफरेंस करेंगे तो ये यहाँ से जुड़े हुए हैं तो दिक्कत कर सकते हैं, ये तो इनको हम पहले ही कट कर लेंगे। जीरो एंटर किया मैंने, इसको मैंने यहाँ से इतना रखेंगे हम इनको, ठीक है। इस सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया प्रोस्पेक्टिव व्यू, इसको मैंने यहाँ पे किया सॉलिड एक्सट्रूड प्लेनेट कर्व स्ट्रेट बोथ साइड यस, ठीक है। अभी सारे ब्लू कलर के पाइप मैंने बुलियन डिफरेंस कर लिए इसके साथ और एंटर कर लिया, ठीक है, ये मेरा कट हो गया। यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर्व सारे कर्व अपने डिलीट कर लिए, ठीक है। अभी पॉली सरफेस को हम यहाँ से अनहाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से आ गए मेरे, ठीक है।
अभी यहाँ से सारे ब्लू कर्व है ना, मैंने यहाँ से मैंने इनको किया माइनस पॉइंट 01 एंटर, नीचे कर लिया मैंने हल्का सा, ठीक है। अभी इसको मैंने यहाँ पे करना है बुलियन डिफरेंस सारे ब्लू कलर के पाइप के साथ और एंटर कर लेना, ठीक है। अभी देखो ये मेरा कट हो गया, यहाँ से मैं इसको प्लास्टिक करके दिखा सकती हूँ, देखो ठीक है। अभी देखो अभी यहां से मैं टॉप व्यू में आऊंगी, ठीक है, और यहां से इसको मैंने यहाँ पे प्लास्टिक करके रखा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ से डायमंड लेना है अपना, अभी यहाँ पे मैंने जैम लोडर में गई मैं, यहाँ से मैंने डायमंड लिया 4 mm, 4 mm का ही लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे हाइड कर लिया, इसको भी हाइड कर लिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लॉक कर देना, ठीक है। अभी यहाँ से जैसे हमें अपने प्रोंग्स बनाने हैं बना सकते हैं हम, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ से कर्व लिया, ठीक है, इसको मैं इतनी हाइट दूंगी यहाँ तक, यहाँ से लूंगी, यहाँ से इस तरह से, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे किया रिबिल्ड 10 पॉइंट से और इसको मैंने ओके कर लिया, ठीक है। अभी इसको मैंने यहाँ पे करना है पाइप डायमीटर, मैंने यहाँ पे रखा 1 एंटर 1 एंटर एंटर, ठीक है। अभी देखो अभी यहाँ से हमने, यहाँ से ये इसके अंदर आ रहा है ना, यहाँ से हम थोड़ी सी शेप ठीक करेंगे, इसके हमने पॉइंट्स ऑन किए और यहाँ से इसको नीचे से इतना बढ़ा दिया मैंने इतना, ठीक है, और इसको मैंने ये वाला पॉइंट देखो मैंने डिलीट किया, यहां से मेरी थोड़ी शेप ठीक हो गई। ये प्रोस्पेक्टिव व्यू में आके देखेंगे, देखो ठीक है ये मेरा, इसको मैंने यहाँ से पॉइंट्स ऑफ किए, इसका कलर मैंने यहाँ से ये वाला कर लिया, ठीक है। आपको जैसे शेप रखनी है आप वैसे रख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे किया फ्लिटेज 0.45 एंटर, ये मेरा फ्लिट हो गया यहाँ पे। अभी इसको मैं टॉप व्यू में जाऊंगी और यहाँ पे मैंने इसको किया ट्रांसफॉर्म अरे पोलार 0 एंटर 5 एंटर 360 एंटर एंटर, ठीक है। अभी देखो ये मेरा, इसको मैंने यहाँ से अनलॉक किया और इसको पूरे को मैंने यहाँ पे ग्रुप कर लिया, ठीक है। अभी इसको मैंने यहाँ पे शो किया, ठीक है, देखो अभी मैं ये मेरा इसका टॉप का पार्ट बन गया, ठीक है। अभी पहले मैं यहाँ से रिंग बना लेती हूँ अपनी,
रिंग का शैंक पार्ट बना लेती हूँ। मैंने यहाँ से रिंग रील लिया 19 mm का, ठीक है, ये मेरा 19 mm का रिंग रील आ गया। अभी इसको मैंने सिलेक्ट किया कीबोर्ड पे, मैंने यहाँ पे F6 प्रेस किया, यहाँ से मैं ऐड प्रोफाइल करूँगी। इसको मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ से मैंने देखो, यहाँ से मैंने खुद की प्रोफाइल बना रखी है। ये मैंने जो प्रिंसेस डायमंड है उसको 4x4 mm का, उसको मैंने 12 से रीबिल्ड कर रखा है, तो ये मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। आप चाहे तो ये बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ से इसकी ये वाली चीज रखूंगी, यहाँ पे इसकी यहाँ से हाइट मैंने रखी, हाइट मैंने यहाँ पे 1.5 की, ठीक है, 1.5 एंटर, ठीक है। अभी यहाँ से इसकी विड्थ, इसकी विड्थ मैंने यहाँ पे कर दी 3 एंटर, ठीक है। जो हाइट है इसकी 1.5 रखी है और विड्थ जो है इसकी मैंने 3 mm रखी और राइट क्लिक किया। अभी इसको मैं यहाँ से ऐड करूंगी, पकड़ के लाई और इसको मैंने यहाँ पे 50% पे रख दिया। विड्थ में इसकी इतनी ही रखूंगी, चौड़ाई उतनी ही रखूंगी, खाली मैं यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा दूंगी। इसकी हाइट मैंने यहाँ से की 2 mm एंटर और राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये प्रोफाइल मेरे को यहाँ पे नीचे लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखो फ्रंट व्यू में आऊंगी मैं, यहाँ से पहले मैं यहाँ से प्रोफाइल का कलर एक बार चेंज कर देती हूँ, ये ब्लू कर दिया, ठीक है। अभी देखो इस प्रोफाइल को मैंने यहाँ पे किया मूव, इस पॉइंट से पकड़ के और यहाँ पे मूव कर दिया, सेम इसको भी इस पॉइंट से पकड़ के और यहाँ पे स्वीप 1, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, एंटर, ओके, ठीक है। अभी इसको मैंने दूसरी तरफ मिरर किया, ठीक है, देखो, और दोनों को मैंने यहाँ पे जॉइन कर लिया, ठीक है। इसको डिलीट, इसको डिलीट, ठीक है। ये देखो यहाँ से मैंने इसको अनहाइड किया, ठीक है, और इस पूरे पार्ट को मैंने यहाँ पे ग्रुप करके रखा, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लेके आई पर फ्रंट व्यू में। ये भी इसके साथ ग्रुप हो गया क्या, सिलेक्ट कर डिलीट, ठीक है, यहाँ पे लेके आई, ठीक है। अभी यहाँ पे टॉप व्यू में सर्कल लिया, 0 enter 3 enter, ठीक है। इसको मैंने प्रोस्पेक्टिव व्यू में कर दिया सॉलिड एक्सट्रूड प्लेनेट कर्व स्ट्रेट, इस तरह से। इसको मैं यहाँ पे यहाँ पे रखूंगी, ठीक है। थोड़ा और ऊपर से मैं इसको यहाँ पे फ्लिट कर लूंगी, फ्लिटेज, ये मैंने 3 mm का लिया है ना, तो इसका हाफ होएगा 1.25 हो गया। इसको मैं और नीचे रख सकती हूँ, इसको मैंने देखो नीचे किया, ठीक है।
इसको मैंने यहाँ से ठीक है मेरा। अभी यहाँ पे ग्रीन वाले को मैंने टूल्स में जाके कलर ये किया मैंने, और यहां से मैंने इसको कर दिया मैश रिपेयर और एंटर कर दिया। ग्रीन वाला मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। ठीक है, अभी देखो देंगे।